वर्ष 2010-11 में सेंधवा जनपद पंचायत अंतर्गत 23 पंचायतों में मनरेगा कार्यों के फर्जी खाते खोल 5 करोड़ से अधिक राशि का गबन करने के मामले में जिला न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कैलाश प्रसाद द्वारा मनरेगा भ्रष्टाचार मामले में 23 दोषियों को 7 वर्ष की सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया गया। दरअसल जिला न्यायालय प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कैलाश प्रसाद मकाराम द्वारा पारित फैसले में सेंधवा जनपद पंचायत की 23 ग्राम पंचायतों में मनरेगा में मालवन स्थित SBI बैंक शाखा प्रबंधक 3 अलग अलग फर्मों के संचालकों सहित 23 ग्राम पंचायतों के 19 लोगों को 7 वर्ष सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया। भ्रष्टाचार में न्यायालय ने 25 लोगों को दोषी पाया, जिनमें से प्रकरण की सुनवाई के दौरान 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, वहीं 23 में से 1 पहले ही जेल में बंद है। लोक अभियोजक हेमेंद्र कुमरावत, अतिरिक्त लोक अभियोजक पवन जाट से प्राप्त जानकारी के अनुसार मनरेगा जिला पंचायत एवं कलेक्टर कार्यालय में शिकायत के बाद जनपद पंचायत सेंधवा के अंतर्गत ग्राम पंचायतों से फर्जी बैंक खाते खुलवाकर शासकीय राशि में गबन किया गया। कलेक्टर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा जाँच दल गठित कर जिसमें 5/3/2012 को जाँच दल के प्रभारी SK शर्मा पंचायत एवं सामाजिक शिक्षा संगठन के निर्देशन में समिति द्वारा जांच करवाई। जांच में पाया गया 23 ग्राम पंचायतों में भारतीय स्टेट बैंक मालवन में फर्जी खाते खुलवाकर 5,21,50,000 रुपये का गबन 2010-11 में करने की पुष्टि की गई। जांच दल ने पाया लखन सिंह राजपूत तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सेंधवा, राजेश खड़के तत्कालीन शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा मालवन तथा 23 ग्राम पंचायतों से जारी की गई राशि अनाधिकृत रूप से प्राप्त करने वाली 3 फर्म के संचालक पशुपति ट्रेडर्स सेंधवा के प्रोपराइटर सदाशिव बाबूलाल मोर निवासी सेंधवा, राज राजेश्वर फर्म के अंशुमान खेमराज सेंधवा एवं नीरज मिश्रीलाल गुप्ता सेंधवा एवं सेंधवा जनपद पंचायत की 23 पंचायतों के सरपंच सचिव को न्यायालय से प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कैलाश प्रसाद मकरम द्वारा विभिन्न धाराओं में दोषियों को सजा दी गई। हेमेंद्र कुमरावत, लोक अभियोजक जिला बड़वानी। पवन जाट, अतिरिक्त लोक अभियोजक बड़वानी। आज ये न्यायालय से भ्रष्टाचार के मामले में सोचा आया है, ये वर्ष 2010-11 का मामला है जिसमें जनपद पंचायत सेंधवा के अंतर्गत 23 ग्राम पंचायतों में फर्जी खाते खोले गए, जिनका खाते मूल पंचायतों से हट गए। ये भारतीय स्टेट बैंक शाखा मालवन में इन लोगों ने खाते खोले थे, जिसमें जो तत्कालीन CEO थे लाखन सिंह राजपूत और बैंक मैनेजर राजेश हड़के, उन लोगों ने मिलकर फर्जी खाते 23 ग्राम पंचायत को सरपंच सचिव के ओपन किए थे और राशि का इन्होंने 3 फर्मों में अंतरण किया था। ये कुल राशि थी 5,21,50,000 रुपये का गबन। इस संबंध में शिकायत हुई थी, जिला पंचायत CEO द्वारा जांच गठित की थी जिसके प्रभारी थे SK शर्मा जी। उन्होंने जांच की, जांच में पाया कि 23 ग्राम पंचायतों द्वारा मंडरा के अंतर्गत कार्य नहीं किए गए थे और फर्जी खाते कर खोलकर उस राशि का दुरुपयोग किया, शासन की राशि का धोखाधड़ी कर गबन किया गया था। कितने लोगों को सजा हुई है? इसमें कुल 25 आरोपी थे, जिसमें से 2 आरोपी मृतक हैं, 23 लोग हैं, इसमें से 22 पुरुष और 1 महिला है। बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।